बैयर तहसील को जिला बनाने की मांग को लेकर बैयर बंद का दिखा व्यापक असर। क्षेत्रवासियों ने चक्का जाम कर दिया आंदोलन। बंद के चलते यात्री को झेलनी पड़ी परेशानी। इधर उधर बसों के लिए भटकते नजर आए यात्री। सोसाइटी का स्थान परिवर्तित किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को खैरगांव, हरदोली और लोहारा क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। अधिक दूरी होने पर जताई नाराजगी। किसानों को होने वाली विभिन्न परेशानियों का दिया हवा। पैराग ढेर में आग लगाने के शक में एक व्यक्ति को तीन लोगों ने चाकू से मारपीट कर दिया घायल। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पाथरवाड़ा की घटना। घायल का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। बरेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड माने गांव में मार्शल ने 8 वर्षीय बालक को टक्कर मारकर हुई फरार। गंभीर रूप से घायल अरंडिया जिला सिवनी निवासी बालक आर्यन का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। नगर के वार्ड नंबर 5 में नगर पालिका के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है गंदा और मटमेला पानी। पानी से आ रही बदबू, निकल रहे हैं कीड़े। स्थानीय लोगों ने शुद्ध पेयजल सप्लाई किए जाने की नगर पालिका से मांग। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश में पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा पर मध्य प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस के बैनर तले मछुआरों ने सौंपा ज्ञापन। पेसा एक्ट कानून को रद्द किए जाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। लालबरा नगर मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर बकोड़ा से खारी पहुंच मार्ग की हालत हुई बद से बदतर। आवागमन में राहगीर को हो रही परेशानी। सड़क का डामरीकरण व नहर पर बनी पुलिया का मरम्मत किए जाने की शासन प्रशासन से मांग। वारासिनी के ग्राम पंचायत मदनपुर में श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को भव्य कलशों की शोभा यात्रा निकालकर किया गया प्रारंभ। श्री वृंदावन धाम से पधारे आचार्य के द्वारा प्रवचन के माध्यम से संगीतमय सुनाई गई कथा। जिला अस्पताल में नहीं सुधर रही व्यवस्था। वार्ड बॉय की कमी से जूझ रहा अस्पताल। कार्यवाही होने के बाद भी स्ट्रेचर खींच रहे पड़ी। लालबरा के ग्राम पंचायत खमरिया में आजादी के अमृत महोत्सव एवं संविधान दिवस के अवसर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कक्षा पहली से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के द्वारा शामिल होकर हल किया गया प्रश्न।